हेलो स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन में नेक्स्ट टॉपिक था टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो देखिए बॉडी को जब प्रोजेक्ट करते हैं आप, ये जैसे बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर जो ग्रेविटी लगेगी निगेटिव अप्लाई होगी, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी vy विल बी इक्वल क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। और ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है u साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल में जो है u कॉस थीटा है वाई एक्सिस में। अब बॉडी को जब आपने क्या किया, प्रोजेक्ट किया, तो O से लेकर के इस पॉइंट तक Q तक, O से लेकर के Q तक जो टाइम टेकन हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो उस कंडीशन में एक तो आपने O से मैक्सिमम पॉइंट तक जो टाइम फाइंड करेंगे और उसका डबल कर देंगे तो टोटल कैलकुलेशन होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। देखिए एक फार्मूला होता है वी वाई टी विल बी इक्वल होता है वी वाई जीरो टी प्लस, देखिए इसमें वी इक्वल यू प्लस एटी का फार्मूला लगेगा, वी इक्वल यू और प्लस एटी ए वाई टी। तो अब यहां से देखिए वी वाई टी जो है वो जीरो है, इनिशियल यू साइन थीटा और माइनस जी टी, तो टी विल बी इक्वल हो जाएगा यू साइन थीटा अपान जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट टी विल बी इक्वल होगा टू मल्टीप्लाई टी, तो टू यू साइन थीटा अपान जी। तो इस तरह से जी का जो फार्मूला हुआ, जी विल सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट टी विल बी इक्वल आ गया टू यू साइन थीटा अपान जी, ये आपका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट अपान जी। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो जब हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो रेंज में जब फाइंड करेंगे तो O से लेकर के Q तक, O से लेकर के Q तक जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो द प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल रेंज, मीन्स R विल बी इक्वल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इस तरह से R विल बी इक्वल कितना आएगा, R विल बी इक्वल आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा टू यू साइन थीटा अपान जी मल्टीप्लाई यू कॉस थीटा। ये टोटल कितना आ गया, यू स्क्वायर इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी विल बी इक्वल यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो इस तरह से रेंज का फार्मूला आ गया, आर विल बी इक्वल यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई स्मॉल जी। तो आप देखें इसमें कि जब हम टाइम इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा कई पार्ट में इसका डेरिवेशन है। सबसे पहले एक पार्ट हमने पढ़ा उसमें कि व्हेन बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट, हाइट से जब बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या फार्मूला आता है, एंड सेकेंड उसका सेकेंड कंडीशन थी कि व्हेन बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड उसमें क्या आता है। उसके बाद आपने उसमें फाइंड किया हाइट का फार्मूला, हाइट के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट और ये हॉरिजॉन्टल रेंज। इस तरह से ये पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।